नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। भारत में जहां एक तरफ कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 से लड़ने के लिए सरकार कमर कस रही है, वहीं विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच भी जारी है। खबरों के मुताबिक अब तक विदेश से आने वालों में से यूपी के आगरा में एक, कर्नाटक के बेंगलुरु में एक और बिहार के बोधगया में 11 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इन सभी को क्वारंटीन किया गया है। सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज गए हैं। साथ ही सर्विलांस के जरिए पता लगाया जा रहा है कि किन लोगों के संपर्क में विदेश से आने वाले ये लोग रहे हैं, ताकि उनकी भी जांच कराई जा सके। वहीं इसी बीच केंद्र के निर्देश पर आज देश भर के अस्पतालों में कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल कराई जा रही है। इस ड्रिल के तहत देखा और परखा जाएगा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, दवाइयां भरपूर मात्रा में हैं और मरीजों की तादाद बढ़ने पर बेड कितने मिल सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत में तमाम लोगों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा था, अस्पतालों में बेड भी कम पड़ गए थे। नतीजा ये रहा कि हजारों लोगों की जान कोरोना के डेल्टा वेरियंट ने ले ली थी। अभी कोरोना का जो BF.7 वेरिएंट आया है, उससे चीन, जापान, अमेरिका, ब्राजील, इटली, फ्रांस समेत 91 देशों में लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया है। मीडिया की खबरों के मुताबिक BF.7 वेरिएंट के कारण चीन के अस्पताल भी भर गए हैं। वहां बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है और अंतिम संस्कार के लिए लाइन लग रही है। वहीं अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में अक्टूबर और नवंबर में इस वेरिएंट के 4 मरीज मिले थे, हालांकि ये सभी ठीक हो गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, साथ ही ज्यादातर लोगों को कोरोना की वैक्सीन भी लगी है। ऐसे में उम्मीद है कि कोरोना का BF.7 वेरिएंट यहां कहर नहीं बरपा सकेगा। फिर भी केंद्र और राज्यों की सरकारें हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हो रही हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।